जय गौ माता, जय गोपाल। कामधेनु गौशाला दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूर महल में आप सबका स्वागत है। हमें आप सब लोग बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि आप अपनी गौशाला का किसी वीडियो में दर्शन करवाएं। सो आप सबकी डिमांड के ऊपर, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कामधेनु गौशाला आ चुके हैं, गौ माताओं के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन लाखों लोग अभी भी यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो वो सब मैसेज करते हैं कि आप हमें कामधेनु गौशाला का दर्शन करवाएं। सो आज हम इस वीडियो में अपनी कुछ गायों का दर्शन आपको करवाने के लिए जा रहे हैं। मेरे पीछे ये कामधेनु गौशाला का मुख्य द्वार है। आइए मेरे साथ कामधेनु गौशाला की सुंदर सुंदर गायों का दर्शन करते हैं। आइए, चलिए मेरे साथ। यहाँ पर इस तरफ यज्ञशाला है। मैं किसी दिन किसी वीडियो में इसके बारे में भी जिक्र करूंगा, लेकिन आज हम गौ माताओं के दर्शन करते हैं। आइए, ये हमारे गौशाला का प्रथम शेड है, पहला शेड है, जहां अभी गौ माताएं चारा खा रही हैं। आइए मेरे साथ इस प्रथम शेड में हम एंटर करते हैं। आइए मेरे साथ। और इन शेड्स की व्यवस्था हमने ऐसी की है कि इसमें से एक ट्राली गुजर सकती है, तो दोनों ओर जो चारा डालने की जगह है, ट्राली को हमने ऐसे डिजाइन किया है कि दोनों तरफ खुलती है और चारा डल जाता है। ये देखिए मेरे साथ, ये सभी गायें दूर तक चारा खा रही हैं। ये है लाल रंग की हमारी सुंदर सुंदर साहीवाल गाय, और इनमें व्हाइट रंग की जो गाय है वो थारपारकर नस्ल की गाय है। अभी हरा चारा थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी जो मकई है वो शुरू हो जाएगी, तो वो भी सीन मैं आपको दिखाऊंगा। ये दूध वाली गाय है, जो फर्स्ट शेड है इसमें दूध वाली गाय होती है, तो इनके बछड़े बछड़ियां अलग से हैं, वो आपको दिखाएंगे। अभी ये चारा खाने में व्यस्त है। वातानुकूल शेड बनाए गए हैं यहाँ पर, ताकि इनको हवा भी लग सके, और आप उधर देखेंगे थोड़ी कच्ची जगह भी है। इसमें क्या है कि जब इन्होंने चारा खा, इसको तीन भागों में हमने बांट दिया है। सबसे पहला भाग है जहाँ गौ माताएं चारा खा रही हैं, उसके पीछे पानी पीने की व्यवस्था है, जब उनकी इच्छा हो वो पानी पीने जा सकती हैं। खुले, हम सारी गाय खुले में रखते हैं, ये खुली रहती हैं, आजाद रहती हैं, क्योंकि किसी को भी बंधन में रहना पसंद नहीं होता, इनको भी नहीं है। इनका भी एक नेचुरल फिनोमेना है, ये भी आपस में मित्रता करती हैं और किसी किसी से कभी कभी दुश्मनी भी करती हैं। कईयों की आपस में सहेलियां होती हैं, और इनका एक अपना ह्यूमन की तरह बिहेवियर होता है, उसको स्टडी करना पड़ता है। तो जब खुली रहती हैं गाय तो बहुत ही खुश रहती हैं, और हम ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। और इनको जो हरा चारा आ रहा है हमारे खेतों से, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने कामधेनु गौशाला के लिए लगभग 100 से 125 एकड़ जो है वो अलग से स्पेयर रखा है, जहां पर हम सीजनल चारा उगाते हैं। सीजनल चारा जैसे ज़्यादा समय पर हम मकई उगाते हैं, जई है, बसीन है, सो ऐसे और भी कई ग्रासेस हैं जिनकी हम कुछ ना कुछ R&D करते रहते हैं। तो इनको कौन सा चारा अच्छा रहता है, किसको ये खुश होकर खाती हैं, और जो इसमें रिसर्च है उसको हम प्राथमिकता देते हैं, जिस चारे से इनके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, हम उस चारे को प्राथमिकता देते हैं। अभी आप देखेंगे उधर, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और वो अपनी माताओं के साथ हैं। सभी माताएं इन बच्चों को देख सकती हैं, और सभी बच्चे, बछड़े बछड़ियां अपनी माताओं को देख सकते हैं। ये देसी गाय में ये चीज़ जो है, हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनमें जो ममत्व की भावना होती है वो एज़ कम्पेयर टू
किसी दूसरी जो प्रजातियों के जो फॉरेन कंट्रीज की हैं इनमें ज़्यादा होती है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो बच्चों का लालन पालन होना है उसमें ममत्व होना बहुत ज़रूरी है। सो आप इन गायों का दर्शन कर रहे हैं, आइए मेरे साथ चलते जाएंगे। शेड्स बहुत हैं, पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही वीडियो में मैं सारी ही गायों को आपको दिखा दूं, क्योंकि ये मैं कहना चाहूँगा आपको कि लगभग 900 से लेकर 1000 के करीब गौवंश जो है वो हमारी गौशाला में है, छोटे बड़े बुल सब मिलाकर। सो एक ही वीडियो में सारी ही गौ माताओं का दर्शन करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं सभी गौ माताओं का दर्शन करवाता जाऊं। आइए मेरे साथ इधर फिर चलते हैं दोबारा। अभी जो इनको ये फीड डाली गई है, फीड माने मतलब जो संतुलित आहार है जिसे हम कंसंट्रेट भी बोलते हैं, फीड भी बोलते हैं, संतुलित आहार भी बोलते हैं। सो एक वीडियो है हमारी जिसमें हमारे इसी कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें हमने संतुलित आहार इस फीड के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की, आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। सो ये हम दो बार इनको डालते हैं और ये इन्हें बड़ा पसंद आता है। इन्हें ये फीड जब आती है, वो डालने वाले आते हैं, तो इनके अंदर एक जो बहुत ज़्यादा उतावलापन देखने को मिलता है, क्योंकि ये इन्हें बड़ा स्वादिष्ट लगती है वो फीड। हरा चारा तो है ही है और साथ में मतलब फीड भी डलती है। सो इसमें आप देख रहे होंगे इनके कान के ऊपर एक टैग लगा हुआ है, तो ये जो टैग है ये इनका स्पेसिफिक नंबर हम इन्हें अलॉट कर देते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? वैसे तो हम शुरुआत में बहुत गायों के नाम भी रखते थे, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई नाम कम होते गए, है ना, तो इसलिए हमने नंबर को ही प्राथमिकता दी। हाँ, अगर आपके आप मुझे नए नए नामों का सुझाव दीजिए या आप कमेंट बॉक्स के अंदर नामों को लिख के मुझे बताइए, हो सकता है वो नाम हमारे लिए बिल्कुल नए हो, सो हम इन गायों के और नाम रख देंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक नंबर है, बेशक हमने किसी गाय का नाम रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका एक स्पेसिफिक नंबर है जो आजीवन उस गाय का ही रहेगा। सो इसलिए क्योंकि इसके आधार पर ही सारी डाटा एंट्री होती है। डाटा एंट्री ये एक अलग से एक वीडियो बनेगी, इसके ऊपर मैं विस्तृत चर्चा आपसे करूँगा। फिलहाल मैं इतना कहूँगा कि इनका ये नंबर, इन्होंने कितना दूध दिया, कौन इसका माँ बाप है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है इस पर्टिकुलर टोकन वाली गाय की, ये पूरा रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं। ये ज़रूरी भी होता है और ज़्यादातर हम लोग जो गौशालाओं के अंदर हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, उसकी एक हिस्ट्री चार्ट बनना चाहिए। सो इसलिए ये यहाँ पर बहुत हम अच्छे से ये करते हैं। तो ये सभी गाय अभी भोजन कर रही हैं, चारा खा रही हैं और लगभग ये 3-3.5 बजे दोपहर को फिर इनकी मिल्किंग होगी, दूध दुआ जाएगा। उसके बाद ये दूध धोने के बाद फिर ये अपने बहुत बड़े बड़े बाड़े बनाए हुए हमने उनमें चली जाएंगी और फिर इस गौशाला में सफाई होगी, वो भी मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको हमारे कंप्लीट शेड्स जितने हैं उनमें से एक शेड का एक पोर्शन दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे पोर्शन भी दिखाऊंगा और भी गौ माताओं के दर्शन करवाएंगे आपको। आपको कामधेनु गौशाला की ये प्रथम शेड की प्रथम रो की गाय कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा और आप सुझाव भी दीजिएगा कि हम किन किन विषयों के ऊपर आगे वीडियो बनाएं। सो ये देखिए दूर तक गौ माताएं भोजन कर रही हैं और इनको देखकर, इनकी प्रसन्नता को देखकर हम प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अगर गाय प्रसन्न है तो सब कुछ ही ठीक है, अगर वो दुखी है तो फिर मानव सुखी कैसे हो सकता है। उनको सुखद वातावरण दिया जाए, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना आने दिया जाए, ऐसा मेरे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हमें आदेश दिया है
और हम पूरा प्रयास करते हैं कि अपने गुरुदेव की आज्ञाओं को हम इम्प्लीमेंट करें, उनमें से कहीं पर कोई हमसे गलती ना हो, ऐसी हम व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। आप हमेशा वीडियो में मुझे देखते हैं, सो ऐसा नहीं है कि मैं ही पूरे गौशाला को चला रहा हूँ, मैं एक छोटा सा सेवादार हूँ इस गौशाला का। गौशाला में लगभग 125 के करीब सेवादार हैं जिनकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, सब अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। मैं किसी वीडियोस में उनसे सबसे आपको मिलाऊंगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और आप और कामधेनु गौशाला में क्या देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है ये सब तक पहुंचनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि जो तस्वीर आप कामधेनु गौशाला की देख रहे हैं, ऐसी तस्वीर भारत की सभी गौशालाओं की बन जाए। सुंदर सुंदर लाखों करोड़ों गाय इस भारत भूमि पे आए, ऐसी ही गाय पैदा हो, उसके लिए कामधेनु गौशाला प्रयासरत है, और वो दिन जल्दी आएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी सबके साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।